यूपी में अगले साल होने वाले चुनावी महासंग्राम की सियासी पिच तैयार हो गई है और मैदान में उतरने से पहले सभी टीमें अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। जहां एक तरफ चुनावी पिच को परखा जा रहा है तो वहीं सभी टीमें अपनी फील्डिंग लगाने के लिए खिलाड़ियों की अदला बदली भी कर रही हैं। ऐसे में मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। सियासत के सारे खेल में फैसला जनता को करना है, ऐसे में हर टीम का हर एक खिलाड़ी जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अलग अलग गेम प्लान बना रहा है, जिससे कि विपक्षी क्लीन बोल्ड हो सकें। और यही वजह है कि राजनीतिक खींचातानी बढ़ती जा रही है और सियासी गलियारों में हर दिन एक अलग तरह का हो हल्ला हो रहा है। माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बिहार की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड, जदयू, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, इन सभी पार्टियों का फोकस जोड़ तोड़ की राजनीति पर है। कुछ दिन पहले ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, इन दोनों नेताओं की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। वहीं पटना में एक कार्यक्रम के दौरान लालू के बड़े बेटे राजद विधायक तेज प्रताप ने भी इशारों में कहा था कि मुलायम सिंह की साइकिल में लालू यादव की लालटेन जोड़ दो। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों पर पूछे गए एक सवाल के बारे में तेज प्रताप ने कहा था कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो क्या हुआ, मुलायम सिंह जी के पास साइकिल है और हमारे यहाँ लालटेन, दोनों को जोड़ दो। तेज प्रताप ने कहा कि बगल के राज्य में चुनाव होने वाला है, वो लोग भी हमारी मदद करते हैं, ऐसे में राजद की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी सहायता करें। अब ऐसे में जहां सपा बीजेपी को मात देने के लिए हर एक छोटे से बड़े दलों के साथ गठबंधन कर रही है, तो वहीं अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब समाजवादी पार्टी जदयू की भी मदद लेगी। हालांकि इस सवाल का जवाब अखिलेश यादव ही दे सकते हैं, जो कुछ दिन में सबके सामने साफ भी हो जाएगा कि आखिर सपा जदयू का साथ लेती है या नहीं। लेकिन इन सभी सियासी कयासों के बीच यूपी चुनाव से पहले बन रहे हालात दिन पर दिन मजेदार होते जा रहे हैं।